जनपद में एमएलसी चुनाव को संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने गोलघर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि यह सघन चेकिंग अभियान सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलाया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारी सड़क पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और बैरियर चेकिंग ऐप पर अपनी एंट्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी तक 500 संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा चुकी है और यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। एसपी सिटी ने कहा कि यह अभियान एमएलसी चुनाव तक चल रहा है और साथ ही बोर्ड एग्जाम भी शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए आपराधिक दृष्टिकोण से भी यह चेकिंग की जा रही है, जिससे कि अराजक तत्वों पर लगाम लगाया जा सके। इस अवसर पर जटेपुर चौकी प्रभारी संजय कुमार गुप्ता सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए ये सघन चेकिंग अभियान 10 से 2 बजे का चलाया गया था। इसमें सभी सीओ एसएचओ सब लोग सड़क पे सुबह से चेकिंग कर रहे हैं और बैरियर चेकिंग ऐप पे अपने एंट्री कर रहे हैं। लगभग 500 से भी अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई है और ये अभियान इसी तरह से चलाया जाएगा। देखिए चुनाव के दृष्टिगत भी है, साथ में एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी उनके जो पेरेंट्स हैं सब लोग अभी हैं बाहर, तो इसलिए आपराधिक दृष्टिकोण से चेकिंग करना आवश्यक है, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है। कितना कारगर साबित हो रहा है? काफ़ी कारगर रहा है। सुबह से लगभग 500 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग नगर क्षेत्र में की जा चुकी है और अभी अभियान अभी और चलेगा तो ये संख्या और ऊपर बढ़ेगी। माना जाए कि अपराध पे रोक लगाने के लिए ये आपराधिक दृष्टिकोण से ही चेकिंग किया जा रहा है और 10 से 2 बजे का अभियान रहा है।